गाइस, तो क्या आप रेडी होंगे आज मेरे साथ? यस, आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं एक्चुअली में रेडी कैसी होती हूँ. जब मैंने कहीं जाना होता है, अभी तो बाल बेचारे छोटे हो गए हैं, और कभी भी मैं ना जो काफ़ी मतलब जो कॉम होता है वो ये वाला यूज़ करती हूँ. मैं दूसरा कोई भी कॉम यूज़ नहीं करती हूँ. ये बड़े आराम से कॉम भी हो जाता है और बाल इसे बिल्कुल नहीं टूटते हैं. मुझे ये कॉम बिल्कुल और बहुत ज़्यादा पसंद है. मुझे बहुत पसंद है ये कॉम. वेल, अभी मैं आपको लेके चलती हूँ अपने मेकअप रूम में. मेकअप रूम में नो, अभी मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली मैं मेकअप मैं कैसे करती हूँ. बहुत अच्छा सा मेकअप करेंगे हम, नेचुरल सा लगे लगे ना कि मेकअप किया हुआ है, लेकिन मेकअप करना ज़रूर है ना, ऐसा कोई मेकअप. या अभी मैं आपको पूरा लुक जो है वो मैं बाद में दिखाऊंगी, अभी हम रेडी होते हैं. हे गाइस, तो चलिए रेडी हो जाइए मेरे साथ. तो रेडी होने से पहले ना मैं अगेन मॉइस्चराइज करूँगी स्किन को, क्योंकि जब भी हम फाउंडेशन वगैरह अप्लाई करते हैं ना तो स्किन ड्राई हो जाती है, पैची सी कैकी सी लगती है. तो इतना सा फाउंडेशन जो सॉरी मॉइस्चराइजर जो है वो मैं ले रही हूँ. अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा आपको लगता है बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा मॉइस्चराइजर जो है फाउंडेशन के अंदर भी मिक्स करके लगा सकते हैं आप. तो अभी मैं अगेन मॉइस्चराइज करूँगी स्किन को. मेरे ना यहाँ पे ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है नोज़ के यहाँ पे, मेरे कोके के पास कहते हैं ना. या सो ये हो गया. अब मैं लगाऊंगी कंसीलर, है ना. दिस इज़ अ कंसीलर, स्किन को कंसील करने के लिए कंसीलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो मैं इसे भी अपने स्किन के ऊपर अप्लाई करूँगी, जहाँ जहाँ पर आपको दाग धब्बे हैं, पिंपल है, कुछ भी लगता है आपको, जिसे आपने कंसील करना है, छुपाना है, उस एरिया पे इसे लगाएं. जैसे कि यहाँ पे पिगमेंटेशन होती है, इसलिए हम इसे यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे. नोज एरिया, डार्क सर्कल, है ना. दैट्स इट, भूत बनी हूँ मैं. इसे ना मैं स्पंज की मदद से स्प्रेड करूंगी. अभी मेरा स्पंज जो है ये वाला मैंने सुखाया हुआ है, ड्राई है, मतलब अभी गीला नहीं मैंने किया. इस तरह से अच्छी तरह से कंसील कर लीजिए. कंसीलर जो होता है ना वो आपके स्किन के दाग धब्बों को, पिगमेंटेशन को कंसील करने के लिए होता है, है ना. तो मैंने उसको कंसील कर लिया है. अब मैं लगाऊंगी फाउंडेशन. दिस इज़ द फाउंडेशन. फाउंडेशन मैंने थोड़ा सा लेना है, इसमें मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइज मिक्स करूंगी, क्योंकि मेरी स्किन काफ़ी ड्राई रहती है. तो मैं इतना सा, आप देखिए ये ना, इसका ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, आई डोंट नो व्हाई, ये ना इसका पंप ख़राब हो गया है शायद, तो पंप ना चलता नहीं है. तो इसमें ओपन करके थोड़ा सा फाउंडेशन जो है वो मैंने इस तरीके से ले लिया. थोड़ा कम ही लेती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं लेती हूँ, कम लूँगी. दिस इज़ अ फाउंडेशन. देखिए मैंने थोड़ा सा फाउंडेशन लिया है, सिर्फ इतना सा, और इसके अंदर मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइजर जो है मेरा कलर बार का, थोड़ा सा इसके अंदर मिक्स करूँगी. ये देखिए थोड़ा सा मैंने इसको मिक्स कर लिया है. अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करके पूरी स्किन पे स्प्रेड करूँगी. अब मैं क्या करने वाली हूँ, इसको गीला करने वाली हूँ. स्पंज को गीला करती हूँ, पीछे शैंक है. तो अब मैंने इसको गीला कर लिया है, ये देखिए, और पूरी स्किन पे स्प्रेड करती हूँ.
देखिए बहुत फाइन लुक होता है, तो हमेशा अपने स्पंज को गीला करके, अच्छी तरह से गीला करके फिर अपनी स्किन पे फाउंडेशन को स्प्रेड करें। इससे स्किन कैकी भी नहीं लगेगी और पैची से भी नहीं लगेगी, स्किन पे बहुत अच्छी तरह से फाउंडेशन जो है वो फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है। गाइस तो मैं मिरर के पास पहुंच गई हूँ, ये है मिस रोज़ का, मैं म्यूजिक फ्लावर का यूज़ कर रही हूँ आईब्रो पेंसिल आईब्रो के लिए, और मैं ब्लैक वाला यूज़ करती हूँ और इसके अंदर ब्रश भी है, तो मैं इसे यूज़ करूँगी दिस वन। इस तरह से एक एंगल ब्रश को लूँगी, एंगल ब्रश को मैं इस तरह से लगाऊंगी, यहाँ मेरा बहुत अच्छा अच्छे से दिख जाता है, तो इसलिए मैं बाहर आके मेकअप करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो इस तरह से मैंने अपनी आईब्रोज के नीचे देखिए बनाया है टैंग, एक एक हाई लाइन बना ली है, फिर ऊपर की तरफ मैं इसे स्प्रेड करूंगी। कुछ लोग बोलते हैं जो ब्लॉगर्स होते हैं, ब्यूटी ब्लॉगर्स, वो जो मेकअप करते हैं ना, वो एक्चुअली में वो मेकअप बाहर करके नहीं जाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। मैं आप लोगों के सामने तैयार हो रही हूँ और मेकअप करके बाहर भी जाऊंगी ना, क्योंकि मैं ब्लॉग भी शूट करूंगी तो आपको पता ही चल जाएगा कि मैं जा रही हूँ बाहर या नहीं जा रही हूँ। अगेन एंड ऊपर की तरफ इसे हमें स्प्रेड करना है। ये देखिए आईब्रो कितनी सुंदर लग रही है ना, इस तरह से आईब्रो जो है प्रॉपरली बन जाती है, तो मैं अब दूसरी को भी बनाने वाली हूँ। मैंने दो आईब्रोज बना ली हैं, सो आईब्रोज बन चुकी हैं। अब मैं कुछ चीज़ें और दिखाती हूँ आपको कि और हमें क्या करना चाहिए। एक्चुअली मेरी थ्रेडिंग करवाने वाली है, तो इसलिए थोड़ा सा अगर ऊट पटांग आप लोग लग रही है ना आपको थोड़ी सी, तो आप उसे इग्नोर मार दीजिएगा। वैसे तो बहुत अच्छी बनी है, लाइक सामने तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, कैमरा में मुझे पता नहीं आपको कैसी लग रही है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक्चुअली में बहुत पसंद है। तो अब मैं इस मेकअप किट के अंदर से जो अगली चीज़ निकालने वाली हूँ, तो वो है दोस्तों क्या निकालने वाली हूँ, ऑब्वियसली हाइलाइटर। हाइलाइटर तो हर लड़की की जान होती है, हाइलाइटर के बिना और काजल पेंसिल के बिना जाना तो बेवकूफ़ी है ना। तो दिस इज़ अ हाइलाइटर जो मैं यूज़ करने वाली हूँ, ये भी मिस रोज़ का है, ये हाइलाइटर भी मुझे एक्चुअली में बेहद पसंद है, तो मैं इसे इस तरह से अप्लाई करूँगी, इस तरह से देखिए। अब मैंने स्प्रेड नहीं किया, गेट रेडी विद मी, ये ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, बहुत कम लगाऊंगी। इसके बाद मैं लगाने वाली हूँ आईलाइनर। अगर आप अपनी आईब्रोज को यहाँ से करेक्ट करना चाहते हैं तो कलर करेक्टर से कर सकते हैं या फिर कंसील कर सकते हैं, पहले मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ लगा रही हूँ अब आईलाइनर जो एक्चुअली में मेरा फेवरेट है और NYB का है। आज आप लोग रियल में मेरे साथ तैयार हो रहे हैं, क्योंकि हर रोज मैं इस तरह से ही रेडी होती हूँ, नहीं हर रोज नहीं, जब मैंने कहीं जाना होता है। जो आप लोगों के लिए स्पेशल शूट होता है वो अलग से होता है ना, रूम के अंदर। और आज यार आईब्रो देखिए कितनी ज्यादा डिफरेंट लग रही है, कितनी ड्रावनी लग रही है। एक्चुअली मुझे मोटा सा आईलाइनर लगाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं मोटी काजल पेंसिल जो है, मतलब मोटी जो आईलाइनर है वो लगा रही हूँ। अब मैं प्लम का जो ये वाला
काजल पेंसिल है वो यूज कर रही हूँ, तो इसको हम यूज करेंगे। या दिस इज माई फाइनल लुक। या अब कुछ लोग बोलते हैं मैम जो मोटी मोटी आंखें लगती है ना जिनकी मोटी मोटी, तो वो कैसे लगती है? दोस्तों ये काजल जब हम लगा लेते हैं उसके बाद कुछ लोग आईलाइनर का इस्तेमाल करते हैं, वो भी मैं करके दिखा देती हूँ। वैसे मेरा मन नहीं था, चलो आप लोगों के लिए कर लेती हूँ। ये जो बिल्कुल NYB का मैं यूज़ कर रही हूँ, ये देखिए ये बहुत बारीक है। इसकी मदद से काजल के नीचे नीचे आपने उसको अंडरलाइन कर देना है, ये देखिए इस तरह से। अभी आप अच्छी तरह से मेरी आंखों को देख लें, है ना, क्योंकि फिर पीछे करके देखना पड़ेगा आपको। है ना, अब आंखें बड़ी बड़ी लग रही हैं, सिर्फ इसी तरह से लगती हैं बड़ी बड़ी आंखें। एक्चुअली जब मैं स्कूलिंग टाइम में थी, जब जब मेकअप करने का इतना पता नहीं था, तब मैं बहुत सारी लड़कियों को देखती थी, दिल करता था कि मैं उनको रोक के ना पूछूं कि यार तुमने ये मोटी सी काजल कैसे लगाई हुई है। तब पता नहीं चलता था कि वो क्या करती हैं ऐसा जिससे उनकी मोटी सी काजल लग जाती है। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, मेकअप ब्लॉगर बन गई हूँ अब तो खैर, तो अब पता चल गया है कि कैसे मेकअप करते हैं, कैसे होता है मेकअप। हेलो गाइस, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। लिपस्टिक आप जब भी आपने लगानी है स्किन, लिप्स को मॉइस्चराइज ज़रूर करें। मैंने अभी राइट नाउ कलर बार कर लगाया है, तो इसमें मुझे मॉइस्चराइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ज्वेलरी में पहन रही हूँ बस तो कंगन, या पे डिपेंड करता है ये तो, है ना, कि आपने ज्वेलरी पहनी है या नहीं पहनी है। खैर मुझे किसी के घर पर जाना है तो मुझे ये पहननी पड़ेगी। और साथ में मैं पहन रही हूँ ये वाले इयररिंग्स जो इसके साथ एक्चुअली में मैच कर रही है, तो ये मैं पहन रही हूँ। अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। ये है मेरे इयररिंग्स जो मैंने वेयर किए हैं। हाँ मैं ज्वेलरी वगैरह और कुछ नहीं पहन रही हूँ, सिंपल दिस वन। अभी मैं आपको मिलती हूँ प्रॉपर हेयर स्टाइल के साथ एंड प्रॉपर रेडी होके। सो गाइस दिस इज माय फाइनल लुक। ये है मेरा ऑफ वाइट दुपट्टा, इस पर बहुत चौड़ी चौड़ी मोटी मोटी लेस लगी है। ये है मेरा सूट, दिस इज माय सूट। या एंड वन थिंग मोर, इस सूट के नीचे पीछे बॉर्डर पे भी डिज़ाइन है, यहाँ पे नीचे बॉर्डर पे भी नीचे डिज़ाइन बना हुआ है। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर भी डिज़ाइन है बैक पे, और फ्रंट पे बिल्कुल सिंपल है आगे से। दिस इज माई लुक। अभी अभी बाल मुझे अच्छे लग रहे हैं, बाद में पता नहीं कैसे बनेंगे, राइट नाउ मुझे अच्छे लग रहे हैं कि मैंने इसका ना नोट बांध ली थी, एक रबर डाली थी, तो अभी बाल अच्छे लग रहे हैं। वहाँ अभी मुझे बताइएगा आपको मैं कैसी लग रही हूँ। आई होप आप लोगों को मैं अच्छी लग रही होंगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ, ये मेकअप ट्यूटोरियल छोटा सा आपको बढ़िया लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड ऑफ कोर्स नीचे अच्छे अच्छे कमेंट जरूर दें, ताकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, है ना। अभी देखिए घर पे अकेली हूँ, बड़े आराम से रेडी हो चुकी हूँ। और मैं हर रोज इसी तरह से रेडी होती हूँ, जब मुझे कहीं जल्दी जल्दी जाना होता तो मैं वहाँ पे वॉशरूम के बाहर वो के उस मिरर के मतलब बाहर खड़ के रेडी होती हूँ। ये मेरा ओरिजिनल मेकअप जो है, ओरिजिनल जैसे मैं तैयार होती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर किया, नहीं तो मैं पूरा शूट करती हूँ अगर मैंने कोई मेकअप ट्यूटोरियल बनाना होता है, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं था। तो वेल अभी मैं आपको मिलूंगी नए ट्यूटोरियल के साथ। अगर ये रेडी आप मेरे साथ हो चुके हैं तो बाय बाय, टेक केयर। आप भी जाइए जहाँ भी आपको जाना है, मार्केट घूमने हस्बैंड के साथ या मूवी कहीं पे भी। एनीवेज बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।